हायर स्टडी या जॉब आपको क्या चूज करना चाहिए आफ्टर योर बी हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ मीत पटेल आई हैव डन माई एम एस फ्रॉम आई आई टी मद्रास आई है इन रिसेंट डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स दे वेर हैविंग क्वेरी कि सर मुझे क्या चूज करना चाहिए क्या मैं हायर स्टडी के लिए जाऊँ या मुझे जॉब चूज करना चाहिए विच विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर मी वॉट हैपन्स इज अगर आपने जॉब शुरू कर दी सो so आपको दो तीन साल बाद रियलाइज होता कि यार मुझे तो मास्टर्स करना था एंड कर लिया बट यू आर नॉट गुड एट दैट एंड आपको लगता है कि यार इससे अच्छा तो जॉब ही ले ली थी तो बेहतर रहता सो so ये डायलेमा हमेशा रहता है और ये चीज आपको रियलाइज आफ्टर टू टू थ्री इस होंगी उस टाइम पे रियलाइज नहीं होगा बट तब, तब तक देर हो चुकी होती है सो so, बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई की विच इज द बेटर करियर ऑप्शन फॉर योर सेल्फ एदर हायर स्टडीज या जॉब आपको क्या चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी एंड दट थिंग्स सो वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सो गाइज आई विल गिव यू फाइव पैरामीटर्स जिसके बेस पे आप अपने आप को इवेल्यूट कर पाओगे यू विल बी एबल टू डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी और योर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए बेहतर रहेगा सो लेट्स लुक एट पैरामीटर नंबर वन व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल काफी सारे स्टूडेंट्स का गोल क्या होता है कि भाई आफ्टर सम इयर्स दे वांट टू लीड कोई बड़ी एम कंपनी में हायर पोजिशन पे टॉप टॉप मोस्ट पोजीशन पे उनको पहुंचना होता है या कई बार कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा देन इट कैन बी लाइक कि नहीं मुझे रिसर्च फील्ड में ही आगे जाना है साइंटिस्ट या उस लेवल की पोजिशन पे मुझे काम करना है या आर डिपार्टमेंट में मुझे काम करना है सो दिस कैन बी योर लॉन्ग टर्म गोल सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है आप कहाँ जाना चाहते हो फाइव ईयर्स या टेन ईयर्स डाउन द लाइन आप अपनी लाइफ कैसे देखना चाह रहे हो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई सो दिस वॉज पैरामीटर नंबर वन सो नाउ पैरामीटर नंबर टू वॉट आर योर फाइनेंशियल कंडीशन एट योर होम कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि घर पे अर्जेंट फाइनेंशियल नीड हो सकती है एंड दैट्स नॉट रॉन्ग सो उस स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि दे कैन गो फॉर टू और थ्री इयर्स जॉब एंड थोड़े बहुत सेविंग्स करके अपने मास्टर्स के लिए पैसे बचा के दे कैन गो फॉर द मास्टर्स ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपके घर पे फाइनेंशियल नीड नहीं है एंड आप हायर स्टडी करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप उस थिंग पे जा सकते हो बट इट शुड बी क्लियर कि फाइनेंशियल नीड है कि नहीं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि आफ्टर दे स्टार्ट फॉर देट मास्टर आफ्टर सिक्स मंथ्स दे गेट द प्रेशर कि मुझे मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे अच्छी नहीं होती है एंड वो उनको छह महीने बाद पता चलता है एंड उस स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि स्टडी पे फोकस करने की जगह उनका फोकस हो जाता है प्लेसमेंट पे कि मुझे जॉब कैसे मिले जॉब कैसे मिले अच्छी जॉब मैं कैसे ढूंढूँ सो हायर स्टडी का मेजर पर्पज होता है कि आपको हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले आपकी स्किल्स बढ़े बट आपका एम uh, फिर बन जाता है प्लेसमेंट सो यहाँ पे ये चेंज आता है सो यू नीड टू बी अवेयर कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल कंडीशन एट होम पैरामीटर नंबर थ्री वॉट आर योर पर्सनल इंटरेस्ट आपका खुद का बिलीफ क्या है आप क्या करना चाह रहे हो कई बार कुछ स्टूडेंट्स uh, को ऐसा होता है कि नहीं जॉब आई एम मेंट फॉर जॉब और मुझे जॉब भी करनी है आई एम नॉट मेंट फॉर एक्स्ट्रा स्टडी मुझसे अब नहीं होगा बी इज इनफ फॉर मी मैंने गेट कर लिया बी कर लिया बट आगे मैं अब पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा एंड कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि दे वॉन्ट टू गो डीपर इन टू देर स्पेशल ब्रांच और स्पेसिफिक टॉपिक टॉपिक ऑफ देयर ब्रांच उनको और डीप में जानना है और डीप से नॉलेज uh, अपने नॉलेज को बढ़ाना है सो दिस कैन बी कि आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि आप जॉब साइड इंक्लाइंड हो या हायर स्टडी इज योर वन ऑफ द ऑप्शन आप कौन सी साइड इंक्लाइंड हो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पैरामीटर नंबर फोर आइडेंटिफाइंग योर पर्सनालिटी कि आपको क्या पसंद है कि भाई मैं uh, किसी फील्ड में स्पेशलाइज करना चाह रहा हूं या मुझे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वर्क अप्लाइड वर्क ज्यादा पसंद है इन दोनों में से व्हाट इज योर पर्सनालिटी कौन सी चीज आपको मोर अट्रैक्ट कर रही है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिकॉज जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो तो यू विल बी स्पेशलाइड स्पेशलाइज इन पर्टिक्युलर फील्ड आप फॉर एग्जाम्पल मिकेनिकल ब्रांच में हो तो आपका स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन कैन बी मशीन डिजाइन और थर्मल और मैन्युफैक्चरिंग इस हिसाब से हो सकता है अगर आप कंप्यूटर साइंस में तो स्पेशलाइजेशन कैन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी ट्रेंडिंग है सो so, इस हिसाब से हो सकता है तो आप अपनी फील्ड नैरो डाउन करने जा रहे हो वहां पे सो यू विल बी अवेयर कि आपको वो चीज़ पसंद है कि नहीं बट अगर आप जॉब में जा रहे हो तो यू विल बी आपने जो जो बीई में मिकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है बी में जो भी पढ़ा है या अपनी ब्रांच का जो भी कोर नॉलेज आपने लिया है वो चीज़ आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हो वहां पे सो व्हाट अट्रैक्ट्स यू क्टिकल एक्सपेरिमेंट एट्रेक्ट या स्पेशलाइजिंग इन फील्ड एट्रेक्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई यूर पर्सनैलिटी थ्रू दैट इंड द लास्ट पैरामीटर इज पैरामीटर नंबर फाइव हैव यू एक्सप्लोर्ड वेरियस करियर पाथ सम्स क्या होता है ना स्टूडेंट को किसी एक एक ने बोल दिया कि भाई आपको जॉब कर लेनी चाहिए या आपको मास्टर्स करना लेना चाहिए तो वो उस करियर पाथ को चूज कर लेते हैं बट खुद से कभी एक्सप्लोर नहीं करते कि व्हाट आर द करियर पाथ आई एम हैविंग आपने जैसे बी किया है तो उसके बाद कितने ऑप्शन होते हैं एम टेक एम एस एम बी ए पी एच डी रिसर्च फील्ड में जॉब असिस्टेंट्स की जॉब पी एस यू में जॉब एम एन सी कंपनी में जॉब इसरो डी आर डी ओ में यू कैन अप्लाई या स्टेट गवर्नमेंट में यू कैन अप्लाई सो देर आर वेरियस करियर से कुछ एक्सप्लोर किया है क्या वेन यू आर अवेयर अबाउट ऑल द करियर पाथ तो आप राइट डिसीजन मेक कर सकते हो बिकॉज आपको हर एक करियर पाथ के प्रोज एंड कॉन्स पता होंगे आप अपने आपको उसके साथ अलाइन कर पाओगे बट आप ये तभी कर पाओगे जब आपने वो चीज खुद से एक्सप्लोर की हो कि वॉट आर द पार्ट आई एम हैविंग और उसके अंदर क्या चीजें आएंगी क्या चीजें मैं हैंडल करने वाला हूं तो ये चीज अगर आपने एक्सप्लोर की है तो इट विल बी वे बेटर टू डिसाइड कि कैसे हायर स्टडी या बेटर है या जॉब्स बेटर है इवन इन हायर स्टडीज एम बेटर है या एम या पी बेटर है वो आप करेक्टली चूज कर पाओगे अगर आपने ये अपने आप के लिए एक्सप्लोर किया है तो सो गाइज इफ यू इवेल्यूट योर सेल्फ बेस्ड ऑन दिस फाइव पैरामीटर्स तो यू विल बी वे मोर क्लियर देन बिफोर कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए नाउ हमने आपके लिए एक पीडीएफ रेडी किया है जिसमें डिटेल है कि व्हाट आर द वेरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ हायर स्टडी आप क्या क्या कर सकते हो और उसका एक ओवरव्यू हमने उस पर दिया हुआ है कि आप एक ही जगह पे सारे हायर स्टडीज के ऑप्शन कम्पेयर कर पाओ उसके लिए वी हैव प्रिपेयर दैट पी द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप उसको जाके फॉर्म फिलअप कीजिए और आपको आपकी पी डी एफ डाउनलोड कर पाओगे राइट सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच कंटेंट एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो